हम बस ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि सलीम को ढेर सारी खुशियाँ दे, बहुत सारा प्यार उन पर उछावर कर दे। बस इतना ही? इतना ही नहीं, हम ये भी चाहेंगे कि आपके और सलीम के बीच में अब कोई भी मनमुटाव ना हो, और हम चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत हो, इतना मजबूत कि कभी भी उसके बीच में कोई ना आ सके। आमीन। कहीं सा सलामत, अब इजाजत हो तो निकाह की रस्म शुरू की जाए। जी शुक्रिया। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटा कहाँ जा रहे हैं? निकाह अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। हम किसी से क्या वो वादा मुकम्मल करने जा रहे हैं अमीजान? फरहान ने ख्वाहिश की थी कि कुतुब की शादी से पहले वो दरगाह पर जाकर चादर चढ़ाएगा, और फरहान तो इस दुनिया में नहीं रहा, और ना ही बेला से उसकी शादी का वादा हम पूरा कर पाए। कम से कम उसकी एक ख्वाहिश तो पूरी हो जाए। ठीक है, जल्दी आइएगा। या मौला, हमारे अप्पू जान को जल्द शफा दे देना। वो हमारी खुशी के लिए जिल्लत बर्दाश्त कर रहे हैं, उन पर करम करना मालिक। आज तक हर अच्छे बुरे में, नेकी में पड़े में तुझे नहीं भूले हम, अब तू भी हमें ना भूलना। करम करना परवरदिगार, अब बस तेरा ही सहारा है। अप्पू जान को जल्द से जल्द ठीक कर देना। इश्क है ये ना सुकून ना चैन, सारी सारी रहना जागे प्यार में दो नैन। मौला, हमारे दोस्त को तुमको एक शानदार जिंदगी बख्शना, जिसका यह नया रिश्ता उसकी जिंदगी में खुशियां भर दे। इतना करम करना और फरहान की जिंदगी को सुकून देना मौला। धीमी धीमी आंच वफा की दिल में सुलगती है, धीरे धीरे मीठी चुभन सी दिल में मचलती है। रात दिन किसी की यादें साथ लेके चलती है, जब लगे लगन बढ़ती जाए।